नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली को पिछले एक महीने में भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को इस साल के T20 वर्ल्ड कप में कठिन समय का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक खराब गेंदबाजी की थी। इसके अलावा उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेट का एक महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। इसी बीच दाएं हाथ के तेज गेंदबाज एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। 12 दिसंबर को पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के खिलाड़ियों के ड्राफ्ट के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हसन अली एक पत्रकार के साथ गर्मा गर्म बहस में शामिल हो गए। मीडियाकर्मी भी अपना सवाल पूरा कर पाते उससे पहले ही हसन अली ने बीच में उन्हें रोक लिया और कहा, कृपया अगला सवाल पूछें। उन्होंने एक ही बात कई बार कही और पत्रकार ने अपने सवाल को सामने रखने की कोशिश की। हसन अली के व्यवहार से निराश होकर पत्रकार ने पलटवार करते हुए कहा, यह अच्छा व्यवहार नहीं है। इसके बाद पत्रकार ने हसन अली से कहा कि वो उनका सवाल सुन लें, तो हसन अली ने कहा, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता। हसन ने आगे कहा कि आप पहले ट्विटर पर बैठकर अच्छी अच्छी बातें लिखें, फिर मैं जवाब दूंगा। आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। दरअसल सवाल पूछने वाले पत्रकार का नाम अनस सईद था, जिन्होंने इसी साल की शुरुआत में COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के लिए हसन अली को ट्विटर पर जमकर लताड़ा था। उस ट्वीट पर जवाब देते हुए हसन अली ने भी लिखा था कि कृपया पुराने वीडियो के साथ नाटक न बनाएं, पहले पूरी जांच करें, नकली मसाले देने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बेहतर की उम्मीद है। यानी पुराने विवाद को देखते हुए एक बार फिर ये खिलाड़ी इस पत्रकार के साथ उलझ गए और ये टीकी बहस अब चर्चा का विषय बन गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।